बस्तर में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में मुरिया दरबार की रस्म का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 600 सालों से मुरिया दरबार की परंपरा बिना रुके पूरी की जा रही है। मुरिया दरबार कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं, साथ ही हजारों की संख्या में आदिवासी भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही मुरिया दरबार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा, बस्तर दशहरा के अध्यक्ष व सांसद दीपक बैज, बस्तर राज परिवार के राजकुमार कमलचंद वंशदेव, स्थानीय जनप्रतिनिधि और समिति के सभी सदस्य शामिल हुए हैं। वहां से प्रस्थान करके विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। बस्तर वासियों सौगात देंगे ग्राम आसना जगदलपुर में बस्तर अकेडमी ऑफ डांस आर्ट्स एवं लिटरेचर का अवलोकन तथा विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। वे इस दौरान समाज प्रमुखों से चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल शाम 5:40 पर से 7:30 तक जगदलपुर में बस्तर आर्ट गैलरी एवं नवीनकृत दलपत सागर का अवलोकन एवं लोकार्पण करेंगे। वे वहां गोल बाजार में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन तथा लालबाग में रात्रिकालीन विभिन्न खेल अभ्यास सुविधा हेतु स्थापित हाई मास्ट लाइट का भी लोकार्पण करेंगे। जगदलपुर से बास्के ठाकुर की रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। ये मेरा सौभाग्य है कि मुरिया दरबार में आने का निमंत्रण भाई दीपक भाई जी और सभी हमारे मांझी भाई चालकी सब लोग निमंत्रण देने आए थे। मैं यहाँ उपस्थित हुआ, सभी प्रमुख लोगों से भेंट मुलाकात हुई, जनप्रतिनिधियों से भी भेंट हुई और सभी को बस्तर दशहरा के खूब सारी बधाई शुभकामनाएं। और इस दरबार में बैठ के बस्तर के विकास की बात होती है, यहाँ के लोगों के हितों की बात होती है। आज भी वो परंपरा का निर्वहन किया गया और बहुत सारी बातें हैं जिसकी घोषणा मैंने की। ठीक है, थैंक यू।